इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट करने वाले जगन्नाथ मिश्र ने अपने करियर की शुरुआत एक लेक्चरर के रूप में की थी। जब वो राजनीति में आए तो बिहार की कांग्रेसी राजनीति पर लगातार छाए रहे, फिर चाहे वो चीफ मिनिस्टर रहे हों या केंद्रीय मंत्री। तो आइए एक नजर डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के करियर पर। 24 जून 1937 को जन्मे जगन्नाथ मिश्र ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बिहार के सहरसा जिले के बलुआ बाजार के स्कूल में पूरी की, जबकि हायर एजुकेशन के लिए वे भागलपुर और मुजफ्फरपुर गए। बाद में उन्होंने इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट की और मुजफ्फरपुर के एस कॉलेज में इकोनॉमिक्स के लेक्चरर हो गए और वहां प्रोफेसर भी बने। 16 साल की उम्र में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। 1968 में वो बिहार विधान परिषद के सदस्य बने। 1972 में जगन्नाथ मिश्र बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री बने और 1975 में वहां के चीफ मिनिस्टर बन गए। दूसरी बार 1980 में और तीसरी बार 1989 में उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया। दो बार वे बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे हैं। 1988 में डॉक्टर मिश्र राज्यसभा में आ गए, लेकिन एक साल बाद ही उन्हें फिर स्टेट पॉलिटिक्स में वापस जाना पड़ा। इसी दौरान 1989 और 1992 में उन्हें बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी बनाया गया। 1994 में वो फिर राज्यसभा में आ गए और 1995 के मध्य में उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। जगन्नाथ जी, आप अच्छे खासे लेक्चरर थे, अर्थशास्त्र के विद्वान भी हैं, राजनीति में आप क्यों आ गए? अब इसको कैसे बताएं, लेकिन एक राजनीतिक परिवार से आने को जस है, राजनीतिक प्रवृत्ति, राजनीतिक सोच तो थी ही, एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से मैं आता हूँ, इसलिए जब शिक्षा क्षेत्र में था विद्यार्थी अवस्था में तब भी हमारी अभिरुचि थी, और जब मैं प्राध्यापक बन गया तो विश्वविद्यालय की राजनीति में सक्रिय हो गया, उसके सीनेट में, सिंडिकेट में। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ललिता मिश्रा के भाई थे, इस वजह से आपको जल्दी जल्दी पद मिले? अब ललित बाबू का भाई तो मैं था ही, और उनके कार्यों का प्रभाव तो मुझ पर था ही, इसे तो स्वीकार नहीं कर सकता है। एलएन मिश्रा की डेथ के बाद आपको चीफ मिनिस्टर बना दिया गया, लेकिन आपने उनकी मृत्यु के कारणों को कभी खोजने की कोशिश की? आज तक एक रहस्यमय बात उसको लोग कहते हैं। ये बात सही है कि सच्चाई पर कोई जांच तंत्र पहुंच नहीं पाया, इसलिए स्पष्ट नहीं हो पाया। यह एक ऐसा गंभीर विषय बना रहा जो लोगों के मन में थोड़ी तकलीफ इसके लिए होती रही, लेकिन हमने अपने स्तर से, जब मैं मुख्यमंत्री था उस जमाने में भी, जब मैं मुख्यमंत्री नहीं था उस जमाने में भी, इन कार्यों को बढ़ाने का हमने सतत प्रयास किया। आपको शक है किसी पर? उस जमाने में एक हिंसा का माहौल जोरों से बन रहा था, और ललित बाबू बड़ी निष्ठा से, मजबूती से इंदिरा जी का समर्थन करते थे, उनके संगठन कार्यों को पूर्ण रूप से चलाते थे, गिरी के इलेक्शन में उनकी बड़ी भूमिका थी, इसलिए इंदिरा जी से जिन लोगों की नाराजगी थी वे अपनी नाराजगी के इजहार ललित बाबू पे आक्रमण करके क्या करते थे। नहीं, एक बात यह भी कही जाती है कि ललित बाबू चंदा इकट्ठा करने का काम करते थे, फंड रेजर थे, उनके पास तमाम ऐसे रहस्य कई लोगों के थे जो अगर खुल जाते तो काफी कुछ गड़बड़ हो सकता। उनके पास कुछ था ही नहीं सिवा इसके कि जो कांग्रेस के लिए हुआ एकत्र करते भी थे, पूरे के पूरे कांग्रेस का हिसाब के साथ वो खर्च किया करते थे। आप चाहते हैं कि ललिता मिश्रा हत्याकांड की जांच फिर से हो और सच्चाई का पता लगाया जाए? जांच तो हुई और पहचान भी हुई, लेकिन वह उसका विश्वसनीय उतना नहीं हो सका जनमानस के स्तर पर, इसलिए एक रहस्य बना रह गया।